हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ मीनू एंड वेलकम टू लर्निंग पॉइंट। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है डेमोक्रेसी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड। डेमोक्रेसी इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब है, कॉन्टेम्प्रेरी का मीनिंग होता है मॉडर्न, कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी है उसकी क्या हालत है। सबसे पहले करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको मैं बता दूं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इस फटाफट से ख़त्म कर लेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी कैसे वर्ल्ड में एक्सपेंड हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे, कि ये डेमोक्रेसी गेन करने का जो सिस्टम था वो इतना ईजी नहीं था, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था कंट्रीज़ को। द चैप्टर बिगिन विद डिफरेंट स्टोरीज। यहाँ हम इंटरेस्टिंग सी कंट्रीज की स्टोरीज पढ़ेंगे, जिसके द्वारा हमें डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और उसका कैसे स्प्रेड हुई थी डेमोक्रेसी, कंट्री टू कंट्री कैसे डेमोक्रेसी मिली थी लोगों को, ये सब जानेंगे। तो इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, वी एग्जामिन द वर्किंग ऑफ द सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे, लाइक यूएनओ, वर्ल्ड बैंक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कंट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है चाइल्ड, रिस्टोरिंग ऑफ चाइल्ड, के चाइल्ड कंट्री में डेमोक्रेसी कैसे रिस्टोर की गई थी। सबसे ये पहले यहाँ एक नाम दिया हुआ है एलेंदे। एलेंदे कौन था? ये चाइल्ड का प्रेजिडेंट था। चाइल्ड कहाँ की कंट्री थी? साउथ अमेरिका की कंट्री थी। ही हैड टेकन सेवरल पॉलिसीज। और एलेंदे एक बहुत अच्छा इंसान था, उसने कंट्री का बहुत अच्छे से चलाया हुआ था, क्योंकि वो गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता था और वर्कर्स की। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ एक मिलिट्री कूप ने आकर वहाँ पर अटैक कर दिया और टुक ओवर कर लिया चाइल्ड के ऊपर 11 सितंबर 1973 को। उसके बाद एलेंदे मिलिट्री अटैक में वो मर गया। उसके बाद वहाँ का प्रेसिडेंट बन गया पिनोचेट। पिनोचेट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड फॉर 17 ईयर्स, और उसने वहाँ पर 17 साल राज किया। लेकिन जैसे एलेंदे था, एलेंदे की तरह पिनोचेट जो था वह गरीबों की हेल्प नहीं करता था, वो उनको टॉर्चर करता था, उनको प्रिजन में बंद कर देता था। और जो लोग पहले एलेंदे की सपोर्ट करते थे, उसने उनमें से कई लोगों को मरवा भी दिया था। और जिन लोगों को वो टॉर्चर करता था उनमें और कौन थे, उसमें चाइलियन एयर फोर्स का जो लीडर था बेचेलेट, बेचेलेट को भी उसने मरवा दिया था, क्योंकि बेचेलेट को उसने पहले ऑफर किया था कि तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम मिलकर कूप करेंगे, लेकिन बेचेलेट ने मना कर दिया था। तो जब उनका शासन आया तो उन्होंने उसको मरवा दिया। तो वहाँ बेचेलेट की पत्नी और उसकी बेटी को भी प्रिजन में रख के बहुत टॉर्चर किया गया। उसके बाद रेफरेंडम, रेफरेंडम मींस लाइक अ वोटिंग सिस्टम, कि किसको, अगर वो उनका डिसीजन हो गया तो उनको कोई मना नहीं कर सकता। तो उन्होंने एक ऐसा वोटिंग सिस्टम रखा जिसमें 1988 में उन्होंने बोला कि नो फोनचेट, हमें ये राजा नहीं चाहिए। इन 2006 में क्या हुआ, मिकैले बैंचलेट, मिकैले बैंचलेट कौन थी, जो उस समय प्रिजन में रखकर जिसको टॉर्चर किया गया था, वो वहां की क्या बन गई, एक प्रेसिडेंट बन गई चाइल्ड की। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंट्री है पोलैंड। इससे पहले हमने चाइल्ड किया था, चाइल्ड के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पोलैंड के बारे में। पोलैंड में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ऐसे ही स्ट्रगल हुआ था। तो इन दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करके मैं आपको समझाऊंगी कि डेमोक्रेसी कैसे लोगों में आई, कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, कैसे एक्सटेंड हुई और कैसे उसकी वैल्यू क्या है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। पोलैंड इन 1918 पोलैंड वॉज रूल्ड, 1980 तक पोलैंड में कौन रूल कर रहा था, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स। पोलिश यूनाइटेड जो वर्कर्स थे उनका रूल था, ठीक है, वो अपनी मर्जी चलाते थे। लेकिन ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर्स ऑफ लेनिन शिपयार्ड वेंट ऑन स्ट्राइक। लेकिन जो दूसरे वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। द वर्कर्स रेजिंग देयर डिमांड्स लाइक सेंसरशिप। जो वो वर्कर थे जिन्होंने स्ट्राइक किया था वो किस चीज़ की मांग कर रहे थे, सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है, जब हम कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई भी कोई चीज़ का स्प्रेड अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हमें राजा की या फिर वहाँ के लीडर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, वो था सेंसरशिप। वर्कर्स
चाहते थे कि हम अपनी मर्जी से काम करें, इसलिए उन्होंने सबसे पहले मांग सेंसरशिप को ख़त्म करने की रखी थी। एट लास्ट गवर्नमेंट एग्रीड, लास्ट में गवर्नमेंट को एग्री होना पड़ा क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया था, काम बंद कर दिया था, स्ट्राइक्स कर दी थी। उनकी स्ट्राइक बहुत पावरफुल थी, उनकी बहुत यूनिटी थी, जिस कारण वहाँ पर एक न्यू ट्रेड यूनियन बन गया जिसका नाम था सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी नाम का एक ट्रेड यूनियन बन गया जहाँ बहुत लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक साल के अंदर वहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हो गए थे। उनके साथ तो उनकी यूनिटी बढ़ गई, तो उनका प्रेशर बढ़ गया गवर्नमेंट के ऊपर। तो उनका जो लीडर था वैसलेसा उनका लीडर था यूनियन का। फिर वहाँ पर वोटिंग सिस्टम हुआ जिसमें से 100 में से 99 जो वोट थे वो सॉलिडेरिटी को पड़े। ओके, सॉलिडेरिटी क्या था? सॉलिडेरिटी एक ट्रेड यूनियन यानी कि वर्कर्स का एक ग्रुप था, तो उनमें वोटिंग सिस्टम हुआ और वहाँ की गवर्नमेंट का और यहाँ के वर्कर्स का, तो उनमें से 99 जो वोट थे वो वर्कर्स को मिले। जब वहां पर वर्कर्स का दबाव बढ़ गया तो पोलैंड में प्रेसिडेंट कौन बन गया? वैसलेसा बन गया। वैसलेसा कौन था? वैसलेसा लीडर था वर्कर्स का। ओके, समझ में आ गई दो कंट्रीज की आपको स्टोरी कि कैसे वहां डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल हुए थे, कैसे स्ट्राइक हुई थी। पोलैंड में भी वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी और चाइल्ड में भी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर टू कंट्रीज का जब हम देखते हैं तो यहाँ पता चलता है कि लोगों को उस समय हक नहीं थे, तभी लोग लड़ रहे थे अपने हक के लिए। तो वो डेमोक्रेसी पाना चाहते थे, वो सेंसरशिप खत्म करना चाहते थे, उनको बोलने का हक नहीं था। जैसे हमने पहले देखा था कि चाइल्ड में वो जो राजा हुआ था उसने कई लोगों को भी मरवा दिया था, तो ऐसा वहाँ पर सिस्टम होता था। तो ऐसा डेमोक्रेसी में तो नहीं होता ना, तो डेमोक्रेसी ही वो चाहते थे और डेमोक्रेसी के बारे में ही आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के टू फीचर्स कैसे कौन से हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो लीडर्स होने चाहिए वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड लीडर्स होने चाहिए, यही वो वर्कर्स चाहते थे और वही यही वो चाइल्ड के लोग चाहते थे। और पीपल हैव टू फ्रीडम टू स्पीक, और लोगों को बोलने का पूरा हक होना चाहिए, यानी कि उनको सेंसरशिप के बंधन में नहीं होना चाहिए। तो ये थे दो फीचर्स डेमोक्रेसी के। आगे है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ऐसी फॉर्म है दैट अलो पीपल टू चूज देयर रूलर, जो लोगों को अपना रूलर चुनने का हक देती है, तो उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। जैसे कि हमारा इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर भी वोटिंग सिस्टम होता है, हम अपना लीडर खुद चुनते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग भी यही चाहते थे, तो वो अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना चाहते थे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर खत्म कर देंगे। तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर में करेंगे कि ग्लोबल लेवल पर डेमोक्रेसी कैसे स्प्रेड हुई, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो डेमोक्रेसी को कायम रखने में हमारे कंट्रीज़ को हेल्प करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक हर वीडियो ऐसे ही पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।